Assalamualaikum, welcome back to another video of GTA 5 Mission 67. काफी दिनों बाद आज आपके साथ लाइव गेम खेलने का मौका मिला है. काफी थोड़े दिन बिजी रहे थे पिछले, दैट्स व्हाई मैं वीडियो नहीं बना सका था. उसके लिए दिल से माजरत. एंड चलें करते हैं अपना नेक्स्ट मिशन स्टार्ट. अभी हम हैं फ्रैंकलिन के साथ, और इससे जो पिछला मिशन किया था हमने वो किया था पैकमैन के नाम से. मैं लेटेस्ट सेव में से जाकर देख लेता हूँ कि जो हमने सेव मिशन किया था वो कौन सा था, ताकि 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 कंफर्म हो जाएगा हमें. इसमें तो मुझे कुछ और ही दिखा रहा है. लॉर्ड गेम, हाँ पैकमैन. ओके, लास्ट मिशन हमने किया था पैकमैन के नाम से, जिसमें हमने एक गाड़ी पर ट्रक था बहुत बड़ा, वो हम लेकर गए थे. मैं था, फ्रैंकलिन था, और लैमर था हमारे साथ. अब ये फ्रैंकलिन के दूसरे घर में ही वो मिशन है हमारे लिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट मिशन की तरफ. मेरा ख्याल है कि हम टाइम चाहते हैं, मुझे एक शॉर्ट रास्ता मिल चुका है कि कैब मंगवाएं, कॉल करें, कैब मंगवाएं, और फौरन उसके बाद हम चलते हैं मिशन की तरफ. और पिछले इतने दिनों में भी आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिसने कमेंट्स किए हैं और अपनी प्यार का इजहार किया, हम सबका बेहद दिल से शुक्रिया. इस तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें, ताकि मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि अभी एक साल होने वाला चैनल अभी तक मोनेटाइजेशन की तरफ नहीं आ रहा. तो दिल खोल के वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि मेरा चैनल जो है. अच्छा जी, सबसे पहले हम बंद करेंगे रेडियो, क्योंकि स्ट्राइक आ जाती है इसके ऊपर हमेशा. थैंक यू स्ट्रॉबेरी. श्योर थिंग मैन, कम ऑन लेट्स गो, बकल अप. अब हम जा रहे हैं फ्रैंकलिन वाले मिशन की तरफ, और देखते हैं आगे कौन सा मिशन मिलता है हमें. मेरी आवाज़ थोड़ी सी दूर से आ रही होगी आपको, क्योंकि मेरे पास आज माइक नहीं. काफ़ी दिनों बाद में बता रहा हूँ आपको कि मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइव, तो उसके लिए माजरत. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आवाज़ भी क्लियर हो जाएगी. अच्छा, ये फ्रैंकलिन का पहला घर है जी, जहाँ से हमने गेम स्टार्ट की थी. ये तो फ्रैंकलिन की वाइफ थी. और ये ट्रैवल कहाँ से आया? क्यों भी भारी पड़ गया? No, really? Oh, so what, it's just me getting hurt, is that funny? No, man. Well, fuck you! I'm gonna put you in the fucking ground, you laugh at me again. Man, calm down. हर किसी से लड़ता रहता है, इसने कभी किसी से ठीक तरीके से बात नहीं की ड्राइवर ने. पता नहीं इसको कौन सा गुस्सा है. You little jumped up motherfucker. Look, how about this, man? Calm down. It was funny at first, man. I made a mistake. Unfortunately, man, you failed. It was fun, all right? I apologize. I accept your apology. Okay? अच्छा जी, फ्रैंकलिन ने उसे माफी मांगी है हंसने पर. Right? You're so fucking gotcha. Oh, fuck, no, I'm not funny. Fucking asshole. Oh, fuck, I difficult. कुछ तो गड़बड़ है ट्रैवल के साथ. Man, you all right? I'm just fucking on edge, you know? Look, I love you, right? But I would have Look, man. Lester said you had some information for us about Michael. Michael, fuck Michael. I hope he's dead. Man, I know y'all too, man. Come on, man. You two had beef before. मुझे लगता है माइकल को बचाने निकलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ट्रेवर और माइकल की लड़ाई हुई थी, और ट्रेवर काफी दूर निकल गया था छोड़ के सबको, तो वहां माइकल भी गया था, तो फाइटिंग हुई थी और वो लोग माइकल को किडनैप करके ले गए थे. आई डोंट नो, अब इसके बाद शायद यही हो. कम ऑन ब्रो, और गो फक योरसेल्फ. क्योंकि इसने फ्रैंकलिन ने माइकल की बात की, उसने कहा बीप दैट माइकल. चांसेस आर इफ एंड व्हेन आई सी हिम ही इज गोना बी डेड टू एवरीवन एल्स एज़ वेल. हे कम ऑन ब्रो, डोंट डू दैट. यू आर पुशिंग योर लक पेल. व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? नथिंग. इसको चित्र पढ़ने वाले हैं, बात तो कोई नहीं है. Hey, it's me. What did Trevor say? Man, Michael's being held by a Chinese crew because of Trevor. The irony isn't lost. I'm sending you an app for your phone. Michael's cell just came back online. This'll track its signal. It'll work better the closer you get. Be careful. Sure. Oh. I told you. He ain't my G-Lab. Don't try to persuade me you're not lovers. He's laughing at you, you fucking idiot. You're making a mistake. It costs a lot of money to track you down.
I record every favor I could in the world. ये तकलीफ में ड्राइवर की वजह से क्योंकि ड्राइवर से माफी मांगने आया था ये लेकिन ड्राइवर को भागिया से छोड़ दिया गया Switch to Franklin. Find Michael location. Okay. Bottom right of the phone app menu. Bottom right. Ah. Michael location marked as a red blip on the Trackify app. Acha. जो रेड कलर का जो ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे है माइकल सो सॉरी अभी माइकल की टेंशन हो गई है माइकल को ढूंढना है किसी भी तरीके से माइकल बहुत ज़्यादा परेशानी में है जी तो उसको भी हमने बचाना है इसी तरीके से हम करीब है लोकेशन के जहाँ पर माइकल है रेवन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑल द वे नॉट गेटिंग फॉर नथिंग मुझे लगता है कि रास्ता और भी होगा माइकल को बचाने के लिए क्योंकि देखना पड़ेगा काफी है लेकिन माइकल माइकल किधर घूम जाएगा चढ़ 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 ऊपर चढ़ मे बी कोई इजीएस्ट वे हो माइकल को बचाने का फैक्ट्री तो सारी सेल्ड आगे पीछे रास्ता तो मेरे कोई नहीं आ रहा टाइम की शॉर्टेज है जी और माइकल भी जरूरी है बैठा हुआ चुपके सामने
You got an old white dude that don't belong to you. Michael, you in here, man? Michael, क्या तुम ये सुन रहे हो? Refill karo. Trevor, don't give a shit about this motherfucker. You got the wrong guy here. Damn, Franklin kehta hai tum galat bande se bhid chuke ho. Room aane mein kisi ko bhi. यहाँ से सारे दुश्मन ये फैक्ट्री को मुझे लगता है वो है उसे कहते हैं जैसे उसमें कुछ करा बनाते हैं मैंने करने में इसका स्लॉटर हाउस आओ आओ जल्दी जल्दी आओ टाइम नहीं है माइकल को शर्माना है यहाँ बात आओ आओ अपना बंदा है अपना जल्दी 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 भागो उठ उठ बटन कहाँ पे है स्लॉटर हाउस लग रहा है ये स्लॉटर हाउस ही है ओह ये कौन आ गया यू वांट टू लीव ओए बचा ले भाई बचा ले
पहले माइकल से निशाने बड़े परफेक्ट लग रहे थे, अब निशाने ही लग रहा है। बचाने का भी किसी का माइकल से वाह। ये मैंने भी फायरिंग की थी इसके पाँव में, लेकिन मेरी तो मानी नहीं। Escape from the slaughterhouse. This way, come on! We're just looking to get out of here, man! We the ones who should be pissed at you! वो तो मशीन में चला गया लड़का बेचारा। उठते उठते हो गया। वाह भाई लोग हैं इधर, वैसे कुछ समझ नहीं आ रही है। ना बंदा। चलो चलो बाहर आओ। फिर कुछ कर ले भाई, अगला बंदा जख्मी होगा तो यार उससे काम भी नहीं करवा रहे। हमारी गाड़ी टोटल टायर जो है बिल्कुल ब्रस्ट हो चुके हैं, जिस वजह से गाड़ी नहीं चल पा रही है। अगर मैं इस कैलिब्रेशन में चीट कोड ना यूज करता तो आई डोंट थिंक सो कि ये मिशन सबसे कंप्लीट होता। चीट कोड के बगैर वो भाई का हाथ में उसको कुछ नहीं करता था मैंने। लेकिन मुझे ट्रैवर की समझ नहीं आई, अलग ट्रैवर के सारे दोस्त आपस में वो ये फिर भी मतलब इतना इतफाक नहीं है, उसने कहा कि मैं चले नहीं जाऊँगा तुम अकेले जाओ। उस बात की मुझे अभी समझ नहीं आई है, मे बी आगे चल के पता लग जाए। So that might not be such a bad idea. Are you fucking serious? Look, Franklin, you're gonna get your money, okay? From the sounds of it, you'll even get some interest too. And I got this other deal with Weston down at the film studio. So you gotta wait for that to play out before I got any leverage. What are you doing? I guess Michael is Franklin. चले माइकल की जान तो बचा ली हमने और सेफ यूज़ फॉर्म कर लिया है। ये फ्रैंकलिन ने काम करना था ट्रैवल के बस की बात नहीं, तो एक घर किसी सिर पर लगा दिया हमारा। ये हमारा घर नहीं है, ये वाला है हमारा घर। चलो उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी गाड़ी में कि वो चल के आ सके। What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. All right, well listen, thanks. Look, man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Ab usse pooch raha hai ki Trevor ne tumhara kya chakkar chala. Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant.
I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand. Franklin को किसी की कुछ समझ नहीं आ रही है. सिंपल सी बात है. ना ट्रेवर की समझ आ रही है उसको, ना ही माइकल की समझ आ रही है. फ्रैंकलिन का दिमाग इससे खराब हुआ हुआ है और वो दोनों की सुन सुन के अक आई गेस. दरअसल मुझे ना आवाज़ भी कम आ रही है. वो लोग गेमर जब वो हेडफोन लगा के सुनते हैं तो मेरा इस तरह का मोसी नहीं है. मुझे इस तरह आवाज़ समझ नहीं आ सकती है. देखते हैं. माइकल घर है. मुझे लगता है माइकल की फैमिली शायद घर वापस आ गई हो. फ्रेश मीट के नाम से मिशन था जो कि हमने क्लियर कर लिया. मिशन 67 था ये. घर आ गए माइकल साहब. उन्होंने फर्स्ट एड ले ली है और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं. इज लुकिंग फ्रेश. सो मिशन सक्सेसफुल हो गया हमारा. काफी ट्राई करने के बाद हमने मिशन कंप्लीट कर लिया है. फ्रेश मीट के नाम से मिशन था. वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना और इस चैनल का खास ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.